फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्लाजो पैंट या पैजामा, जो आपको बहुत ही मतलब ढीला ढीला और कम्फर्ट फील कराएगा, मतलब टाइट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को, यहाँ मेरे पास 2.25 मीटर का कपड़ा है और यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और नीचे बॉटम एरिया में जहाँ पर फोल्डिंग होगा वहाँ मैंने लिया है 2 इंच, और उसको भी एक स्ट्रेट लाइन कर लेनी है आपको। यहाँ पर चौक दिखाई नहीं दे रही है तो आप समझ जाइएगा। और यहाँ पर मैंने लंबाई ली है 14 इंच की, और ऊपर से और इसको भी सीधा कर लेना है। और ऊपर की साइड मैंने लिया है 2.5 इंच का, जिसमें इलास्टिक डलेगी। मैं इलास्टिक वाला बना रही हूँ, बेल्ट वाला नहीं। तो यहाँ पर मैंने दोनों लाइनों को सीधा कर लिया है। और मेरी कमर है 32 इंच, तो उसका मैंने आधा फोर्थ पार्ट लिया है 8 इंच, तो उस और 8 इंच को मैंने 4 इंच और एक्स्ट्रा लगा दिया है निशान, ढीले के लिए, लूजिंग के लिए। तो अब यहाँ से मैंने लिया है क्रॉच एरिया, तो जो क्रॉच एरिया लिया है मैंने 12 इंच, और साइड से भी मैं 12 इंच ले लूँगी। उसमें भी एक लाइन स्ट्रेट लगा लेनी है, सीधी एकदम खींच लेनी है। अब आपको यहाँ से, अब वहाँ से तो 12 इंच है, और यहाँ से 13 इंच करके इस तरीके से आपको सीधा लाइन कर लेना है। और यहाँ पर 1 इंच का आपको ऐसे ढाल दे देना है, क्रॉच बना लेना है। कभी मतलब आप गहराई से क्रॉच नहीं बनाओ, वो मतलब थोड़ा सा अजीब होता है, मतलब हल्की सी गहराई देनी चाहिए क्रॉच में। और यहाँ पर बॉटम में लूँगी 8 इंच का, आप चाहे तो कम बढ़ती जैसा भी रख सकते हैं। और इसको आपको ऐसे तिरछा मिला देना है, या अब इसकी आपको कटिंग कर लेनी है इसी पर। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी इसी पॉइंट पे। मैं आपको बता रही कि यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं मतलब ढाल देना, हल्का सा ढाल देना है सिर्फ। तो ये मेरा आगे का पार्ट कट चुका है, अब मैं आपको पीछे का पार्ट करके दिखाती हूँ। अब आपको इस तरीके से इसको भी डबल फोल्ड कर लेना है, और इस तरीके से आपको इसको भी बिछा लेना है। जो ज्वाइनिंग वाला है, जहाँ से खुला एरिया है, वो मेरे अपने आगे रख रखा है मैंने। यहाँ पर मुझे पॉकेट लगाना है, इसलिए मैंने उसको ऐसा रखा है ओपन। इसको बिछा लेना है आपको, और आपको जो पीछे वाला है उसको 2-2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, 2-2 इंच करके। थोड़ी उसकी लूजिंग लेनी है इस तरीके से, सभी में 2-2 इंच का मार्जिन ले लेना है। और इसी पे आपको इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसे कि निशान पे लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कटिंग कर ली है, या मेरी कट हो गया है। अब मैं चलिए स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका क्रॉच एरिया सिल लेना है, मतलब जिसको आसन कहते हैं। यहाँ पर आसन को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर मैं पॉकेट नहीं बताऊँगी आपको सिलना, वो दूसरी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग देखते नहीं हो, तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने क्रॉच एरिया सिल लिया है, और यहाँ पर अब मैं दोनों ही क्रॉच एरिया सिल लूँगी। यहाँ मैंने दोनों ही सिल लिया है, आप देख सकते हैं। आपको 2-2 सिलाई लगानी है दोनों क्रॉच एरिया में, मतलब आसन में। अब आपको क्या करना है, साइड से दोनों को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ मैंने देखिए दोनों को साइड से ज्वाइन कर लिया है। आप इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी टॉप स्टिच, जिससे कि वो अच्छे से बैठ जाए फिनिशिंग से। तो यहाँ पर आप लगा लेना है, और मैंने पॉकेट भी लगाई हुई है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगा लिया है, इसके टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब क्या करना है आपको, इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है। तो यहाँ पर इलास्टिक के लिए आपको हल्का सा पतला फोल्ड करना है, फिर पूरा फोल्ड कर लेना है। जितनी कि आपकी चौड़ी इलास्टिक हो, उतना ही फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर आपको पूरा इसी तरीके से सिल लेना है राउंड में। तो यहाँ पर मैंने पूरा राउंड में सिल लिया है, और थोड़ा हिस्सा यहाँ पर खुला छोड़ दिया है इलास्टिक के लिए। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक डालने वाली हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि कमर अगर मेरी 32 है, अगर तो सभी मतलब 32 में से आपको 6 माइनस करना पड़ेगा, तो 26 आपको इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पर मैं 26 ले लूँगी इलास्टिक,
यहाँ दीजिए ली मैंने 26 इलास्टिक। आप कभी भी मतलब कोई भी बनाए हैं तो उससे मतलब 6 इंच माइनस कर दो इलास्टिक, मतलब कमर से जब इलास्टिक लगाना है तो कमर से 6 इंच माइनस कर दो इलास्टिक को, तो वो बिल्कुल अच्छा फिटिंग में बैठता है, ना टाइट होता है ना ढीला होता है, बिल्कुल अच्छा बैठता है। तो अब इस तरीके से आपको पूरे में इलास्टिक डाल लेनी है, या मैंने इलास्टिक डाल ली है, अब आपको इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको कई सारा बैक लगा करके ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है, अब क्या है इलास्टिक को खींचते हुए कपड़ा एकदम बराबर कर लेना है। यहाँ पर सिलाई लगा लें आप जहाँ पर खुला एरिया था। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं। अब आपको पूरा इलास्टिक खींच लेना है इस तरीके से, बराबर पूरे में बराबर कपड़ा हो जाए। ये देखिए मैंने खींच लिया है, अब क्या करना है आपको बीचों बीच में से सिलाई लगानी है। एक आप दो भी लगा सकते हैं, वैसे एक भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मैं एक लगाने वाली हूँ। और इलास्टिक को खींचना है खूब अच्छे से इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में दिखा रही हूँ मैं। इस तरीके से आपको खींचते हुए इलास्टिक को पूरा लगा लेना है। यहाँ मेरी इलास्टिक देखिए कितनी अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब आपको क्या करना है, बॉटम एरिया में आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं आप चौड़ा फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ पर क्योंकि पैजामे टाइप में बना रही हूँ तो मैं थोड़ा चौड़ा फोल्ड कर रही हूँ। तो मैंने फोल्ड इसी तरीके से आपको दोनों ही फोल्ड कर लेने हैं, दोनों ही पार्ट में पैजामे के। यहाँ पर देखिए दोनों ही फोल्ड कर लिए हैं मैंने। अब क्या करना है आपको, इसकी सिलाई लगानी है, पूरी फाइनल सिलाई लगानी है, ऊपर से लेके पूरी वहाँ तक, दूसरे एक पाइचे से लेके दूसरे पाइचे तक। और इस तरीके से हमारा जो है पैंट प्लाजो रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरा कितना अच्छा ढीला ढीला सा पैंट प्लाजो रेडी हो गया। इस बैठने उठने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।